साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां उन लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जिनकी लाइफ का डायरेक्शन क्लियर होता है, मतलब जो लोग डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है, लड़कियां उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई आपको कॉपी करने लगता है तो वो इस बात के काफी ज्यादा चांस हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब आप गाने सुनते हो तो गाने के अनुसार आपके दिल की धड़कन बदल जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई इंसान अपने दोनों हाथों को रगड़ता है तो इसका मतलब है कि वो किसी चीज को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो आपकी आंखों में सीधे देखता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातें अच्छे से सुन रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप ज्यादा थके हुए होते हैं तो आप ज्यादा रचनात्मक और सच्चे होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग नाखून चबाते हैं या नाखून के आसपास की स्किन चबाते हैं वो एक प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित होते हैं जो यह दर्शाता है कि वो काफी ज्यादा परेशान है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि अगर आप ट्रैवल करते समय विंडो सीट पर बैठना पसंद करते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही, सोने में दिक्कत हो रही है तो आप धीरे धीरे सांस लें और लंबी सांसें लें। इससे आपके दिमाग को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगी और कुछ ही देर में आपको नींद आ जाएगी। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग दोपहर के समय आधे से एक घंटे की नींद लेते हैं उनकी मेमोरी पावर ज्यादा होती है और दूसरों के मुकाबले वो काम भी ज्यादा कर पाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हमसे कोई ज्यादा उम्मीदें करता है तो हमारा मन किसी काम को करने में ज्यादा लगता है और हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज से किसी दूसरी भाषा में सोचते हैं तो हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो तो आपको ऐसे रिएक्ट करना होगा जैसे आप उसे पा चुके हो। इससे काफी ज्यादा चांस है कि आप अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी को उसकी बुराई गिनवाते हो या किसी की बुराई करते हो तो आप में भी कुछ हद तक वो बातें आ जाती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जिन बच्चों के पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उनमें से ज्यादातर बच्चों की झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है।